फोर्थ के बच्चों के लिए सैंपल पेपर है जिसे आज हम सॉल्व करेंगे और आप भी हमारे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा में और भी सैंपल पेपर सॉल्व करना हो या डाउनलोड करना हो तो एडुफेवर स्कूल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी न्यू वीडियोज की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे हमें सॉल्व करना है। आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन, कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर वन में ए में है 16 डेज 10 आवर इनटू आवर। इसको आपको चेंज करना है किसमें, आवर में। किसको, 16 डेज एंड 10 आवर। इसको आपको चेंज करना है आवर में। किस तरीके से करना है, 16 डेज। तो 1 डेज में कितने आवर होते हैं, 1 डेज इक्वल टू 24 आवर। सो 16 डेज इक्वल टू 24 इंटू 16 आवर। 24 को 16 से आप राइट में मल्टीप्लाई करके यहाँ देख सकते हैं। 24 × 2 = 16 = 19 12 13 14 4 × 4 = 2 = 2 4 8 3 384 आवर। यानी 16 डेज में कितने आवर होते हैं, 384 आवर। सो क्वेश्चन में क्या है, 16 डेज एंड 10 आवर। तो 16 डेज में हमारा कितना आवर आएगा, 384। सो हम यहाँ लिखेंगे 384 आवर एंड 10 आवर। क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे 10 आवर को यहाँ। सो ऐड करके आंसर आता है 4 8 1 9 3 394 आवर। सो क्या आंसर आएगा, 16 डेज 10 आवर में टोटल कितने आवर होंगे, 394 आवर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बी में है 8 hours 40 minutes into minute। किसमें चेंज करना है, मिनट में। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बी में है आपका 8 hours 40 minutes। इसको चेंज करना है आपको मिनट में। सो 8 hours, तो 1 hour इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं, कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। तो 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 8 hour इक्वल टू 60 × 8 कितने मिनट होंगे, 8 × 6 = 48 480 मिनट। सो हमारा क्या निकला, 8 hour इक्वल टू कितना है, 480 मिनट। एंड ऑलरेडी 40 मिनट्स यहाँ है तो क्या करना है, इसको ऐड करना है हमें। 480 मिनट + 40 मिनट टोटल कितने मिनट्स हो जाएंगे, 0 × 8 × 4 = 2 × 1 = 4 × 1 = 5 520 मिनट्स। सो हमारा क्या कन्वर्ट करके क्या आंसर आया, 8 hours 40 minutes का 520 मिनट्स। आप भी सॉल्व करके कोशिश कीजिए इसको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सी है 5 days 20 hours into hour में इसको चेंज करना है। यानी कि सेम क्वेश्चन है जैसे हमने ए वाला समझा था, सेम क्वेश्चन। 1 day = 24 hours। सो 5 days = 24 × 5 24 में मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 5 × 4 = 20 × 2 × 5 = 10 × 12 120 hours। यानी कि 5 डेज में कितने आवर होंगे, 120 hours। सो 20 hour ऑलरेडी आवर में है तो क्या करेंगे, आप ऐड कर देते हैं।
120 आवर प्लस 20 आवर, टोटल कितने हो जाएंगे? 0, 2, 2, 4 एंड 1, 140 आवर। सो सी का आंसर इज 140 आवर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू में आपको बताया गया है सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन यहां दिए गए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए 875 मल्टीप्लाई 352। मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है आपको? 875 को 352 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। 25 जा 10, 0 कैरी 1, 27 जा 14 एंड 1 15 कैरी 1, 28 जा 16 एंड 1 17, देन 1 बॉक्स कर। फिर यहां से करना है 55 जा 25, 5 कैरी 2, 57 जा 35 एंड 2 37 कैरी ऑफ 3, 58 जा 40 एंड 3 43। अब थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करना है हमें। 35 जा 15 कैरी ऑफ 1, 37 जा 21 एंड 1 22, 38 जा 24, 24 एंड 2 26। चलिए देखते हैं ऐड करके। 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 7 14 115 एंड 5 20 कैरी ऑफ 2, 1 3 3 6 एंड 2 8 6 एंड 14, 0 कैरी 1, 2 एंड 1 3। सो मल्टीप्लाई, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। सबने क्लास में अच्छे से सीखा है। सो इसे कैसे सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई करके। देन क्वेश्चन नंबर बी, बी भी आपका मल्टीप्लाई है। 1 3 7 6 इंटू 35। सो मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए करते हैं। 1 3 7 6 35 से आपको मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करें। 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 7 जा 35 एंड 3 38 कैरी 3, 5 3 जा 15 एंड 3 18 कैरी ऑफ 1, 5 1 जा 5 एंड 1 6, 3 6 जा, अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 6 जा 18 कैरी ऑफ 1, 3 7 जा 21 एंड 1 22 कैरी ऑफ 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10 कैरी ऑफ 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4। देन क्या करना है? ऐड। 0 8 and 8 16 6 कैरी ऑफ 1, 8 1 9 एंड 2 11 कैरी ऑफ 1 6 1 7 एंड 4। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके। देखते हैं सी वाला क्या है क्वेश्चन। देखिए सी क्वेश्चन में है आपका 7 5 2 6 को डिवाइड करना आपको 68 से। तो चलिए डिवाइड कैसे करना है, करते हैं डिवाइड। 68 से आपको डिवाइड करना है 7 5 2 6 को। कैसे? आप 68 का टेबल पढ़ना हर किसी के लिए हार्ड होता है, तो सबसे पहले हम अंदाजा से ये लगा सकते हैं कि 6 है। इसी तरीके से 6 एंड यहाँ क्या है, 1 क्या है, 7। तो 6 से 7 को हम डिवाइड कर सकते हैं कितने बार में? 1 बार में। तो ट्राई करते हैं 68 1 जाए यहाँ पे क्या आता है 68। सो 5 में से 8 माइनस नहीं होगा, बोरो लेते हैं 15 माइनस 8 7। सो ये 72 नंबर अब क्या हो गया 72। अब 68 के टेबल में 72 कैसे आएगा? 6 के टेबल में पहले देखते हैं 7 आता है 1 टाइम में, तो 1 टाइम ही हम लगाते हैं। 68 1 जा 68, 12 माइनस 8 4 एंड ये नंबर अब हम लेके आते हैं।
अगर ये डिवाइजर से जो रिमाइंडर है वो छोटा पड़ जाता है यानी कि डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन एक्स्ट्रा हमने क्या लिया है, वन नंबर लिया है, सो यहाँ पे 1 0 यानी 68 0 जा 0। ओके, सो इस तरीके से आप डिवाइड कंप्लीट कीजिएगा। आगे का क्वेश्चन देखती हूँ, आगे है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है 817 सेंटीमीटर टू मीटर एंड सेंटीमीटर। 817 सेंटीमीटर को मीटर एंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 817 तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, कितने मीटर? 1/100 मीटर। ओके, सो 817 सेंटीमीटर इक्वल टू 817/100। जब हम 100 से डिवाइड करते हैं 817 को, तो 108 जा 800 एंड 17 जो है वो रिमाइंडर बच जाता है। तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो सेंटीमीटर में रह जाता है, और जो क्वेश्चेंट होता है वो जो है वो मीटर में हो जाता है। ओके, सो कितना आता है इसका, 8 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या दूसरा तरीका मैं इसका बता रही हूँ, इसको सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में आप चेंज कर लीजिए। जैसे 870 है, इसका एक्सपेंडेड कैसे होगा, 800 प्लस 17 सेंटीमीटर। सो 800 में कितने मीटर होंगे, 100 से आपको डिवाइड करना हो तो 800 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 100 होते हैं यानी 1/1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। सो 800 सेंटीमीटर इक्वल टू 800/100, तो क्या आता है, 8 ओनली 8। सो यहाँ पे क्या आ जाता है, 8 मीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, यानी कि क्या है, 8 मीटर 17 सेंटीमीटर। जो भी आपको इजी लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 का बी। 45 मीटर 20 सेंटीमीटर टू मीटर, इन्हें आपको मीटर में चेंज करना है। तो किस तरीके से हम करेंगे, 45 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। सो 45 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 45 इंटू 100 सेंटीमीटर। सो 45 मीटर इक्वल टू 4500 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और भी है, तो हमें क्या करना है, 4500 प्लस 20 सेंटीमीटर यानी 4525 सेंटीमीटर। ओके, जल्दी से इसे आप सॉल्व कीजिए। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 4 है, ऐड। आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन है आपका 25 मीटर 40 सेंटीमीटर, इनमें ऐड करना है आपको 40 मीटर यानी कि 40 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो इसे हमें क्या करना है, ऐड। तो चलिए ऐड करते हैं, 5 0 5 4 and 2 6 65 सेंटीमीटर एंड 5 and 0 5 2 and 4 6 65 मीटर 65 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन बी है, इनको भी ऐड करना है आपको, 20 kg and 150 gram में ऐड करना है आपको 50 kg यानी 50 kg
एंड 250 ग्राम, 250 ग्राम, तो ऐड कीजिए इसे, 0 + 0, 0, 5 and 5, 10, 0 carry of 1, 1, 1, 2 and 2, 4, 400 ग्राम, एंड 0 + 0, 0, एंड 2 + 5, 7, 70 kg, 400 ग्राम। हमने क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 5 है सॉल्व द सम्स। क्वेश्चन ए में आपसे बताया जा रहा है, क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। द टोटल वेट ऑफ 4 इक्वल टीवी इज 48 kg। आपका टोटल वेट जो है 4 टीवी की जो वेट है वो है 48 kg। तो आपको बताना है व्हाट इज द वेट 10 सच टीवी। तो आपको बताना है कि 10 टीवी का जो वेट है वो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। 5 का ए आपको सॉल्व करना है, टोटल वेट ऑफ 4 टीवी। सो टोटल वेट ऑफ 4 टीवी इक्वल टू 48 kg। सो वेट ऑफ 1 टीवी। अब 1 टीवी का हमें निकालना है कि 1 टीवी का वेट कितना होगा। 1 टीवी, सो 48 / 4, 4, 1, 2, 12 kg। सो क्या आया वेट ऑफ 1 टीवी इक्वल टू 12 kg। अब हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वेट ऑफ 10 टीवी, तो क्या होगा वेट ऑफ 10 टीवी इक्वल टू 12 × 10, यानी कि 12 × 10 = 120 kg। सो क्या आंसर आया इसका। एक आंसर आता है आपका 120 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, 5 का बी क्वेश्चन क्या है। लक्ष्मी बाइस 2 m 20 cm ऑफ सिल्क क्लॉथ एंड 925 cm ऑफ कॉटन क्लॉथ, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ सी बाउट। लक्ष्मी ने 2 m 20 cm सिल्क का क्लॉथ खरीदा एंड 925 cm कॉटन क्लॉथ खरीदा। सो फाइंड करना आपको टोटल लेंथ कितना, उसने कितना कपड़ा खरीदा। तो पहले हम देखते हैं ये सेंटीमीटर में है, तो या तो इसे हम मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, या फिर नेक्स्ट जो नंबर है 2 m 20 cm सिल्क का उसे हम किस में कन्वर्ट कर दें, सेंटीमीटर में। तो पहले हम देखते हैं लेंथ ऑफ सिल्क क्लॉथ इक्वल टू 2 m 20 cm। सो 2 m इक्वल टू 2 × 100 cm प्लस 20 cm। तो हमने इसको क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं पहले। सो 2 × 100 = 20 cm, यानी 220 cm उन्होंने सिल्क क्लॉथ खरीदा एंड कॉटन क्लॉथ 5 cm। सो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू सिल्क वाला क्लॉथ है 220 cm प्लस 925 cm। सो टोटल कितना होगा, 5 and 0 5, 2 and 2 4, 2 and 9 11।
1145 सेंटीमीटर। सो टोटल क्लॉक की लेंथ कितनी होगी? 1145 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी वाला, आपको कैसे सॉल्व करना है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 160 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड हम लेते हैं, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका वन साइड है 160 मीटर। सो अ फार्मर वॉक्स अराउंड इट बाउंड्री वंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही हैज टू कवर। अगर एक फार्मर जो है वो घूमता है चारों तरफ, यहाँ घुमा तो कितना हुआ 160 सेंटीमीटर मीटर, एंड फिर यहाँ से यहाँ तक घुमा तो 160 मीटर, एंड यहाँ से यहाँ घुमा तो 160 मीटर। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, चलिए देखते हैं। स्क्वायर तो क्या निकाला हमें, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा है ना आपने चैप्टर में, 4 into side। और साइड कितना दिया हुआ है, साइड इक्वल टू 160 मीटर। सो 4 into 160 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 0 and 16 4 जा 64 so 640 मीटर। सो क्या लिखेंगे हम, सो फार्मर कवर द टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 640 मीटर। इस तरीके से आप घर पे भी सैंपल पेपर सॉल्व करके और काफ़ी सारी एग्जाम्स की या बुक्स की तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप सैंपल पेपर, वर्कशीट, बुक्स, ये सारी चीज़ें अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ईडूफेवर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं।